सीबीआई वाकई तोता थी, तीता हो पाई, या तोते से हटकर कुछ और हो गई? सीबीआई का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? सीबीआई भी अपने तरीके की एक पोस्टर एजेंसी की तरह लगने लगी है हिंदुस्तान की सियासत में, जो कि प्रीमियर जांच एजेंसी जरूर है, लेकिन उसके भीतर का सच अब जब निकल कर आ रहा है तो लगता कुछ ऐसा ही है, ये पोस्टर बॉय ही तो है। 25 साल पुराना मामला लटका पड़ा है, 30 साल पुराना मामला लटका पड़ा है। लीडरशिप के निर्णय के अभाव में नहीं, डिपार्टमेंट की, दो डिपार्टमेंट के बीच की फाइलों के बीच में लटका पड़ा है, क्या काम? तो प्रधानमंत्री ने 11वें सिविल सर्विस डे पर नौकरशाही को दो टूक चिताया भी था। दो विभाग आपस में न लड़े, चिंता भी जताई, विभागों के आपसी झगड़ों से फाइलें अटक जाती हैं। लेकिन पहली बार दो विभाग नहीं बल्कि सीबीआई जैसे देश की प्रीमियर जांच एजेंसी के नंबर एक और नंबर दो न सिर्फ झगड़ रहे हैं, बल्कि जो आरोप लगाए गए वो इतने गंभीर हैं कि सीबीआई की साख तार तार हो रही है। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने बकायदा सीवीसी को पत्र लिखा और उसमें सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश आस्थाना के बारे में लिखा। उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा, आस्थाना के खिलाफ कई मामलों की जांच चल रही है, उनकी अनुपस्थिति में आस्थाना को पावर नहीं दिया जा सकता, यानी वो जब ना रहे तो निर्णय आस्थाना ना ले। आस्थाना के जरिए कई दागी अधिकारी सीबीआई में नियुक्त हो सकते हैं और कई अधिकारियों पर आपराधिक मामले तक दर्ज हैं। यानी सीबीआई डायरेक्टर ही सीवीसी को चिट्ठी लिखकर ये बता रहे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में या फिर विशेष डायरेक्टर की अगुवाई में सीबीआई दागदार हो सकती है। तो समझना जरूरी है कि राकेश अस्थाना वही अधिकारी हैं जो गुजरात कैडर के हैं, सूरत के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का खास माना जाता रहा। और जिस वक्त आस्थाना को विशेष निदेशक नियुक्त किया गया उस वक्त भी खासा हंगामा मचा था, यहाँ तक कि खुद सीबीआई डायरेक्टर ने उनके नाम का विरोध किया, लेकिन उनकी चली नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना के खिलाफ सीवीसी में अपना मोर्चा खोला है। इसके पहले भी जब राकेश अस्थाना को सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर यानी नंबर टू बनाया जा रहा था, तब भी आलोक वर्मा ने सीवीसी को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था। ये बात दीगर है कि उनका विरोध दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन मुद्दा तो सीबीआई की साख का है, क्योंकि सीबीआई जिन मामलों को देख रही है वो खासे अहम है। कई तो राजनीतिक मामले हैं और जो स्क्रीन पर मामले हैं उसके अलावे भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें खुद नेताओं की जांच सीबीआई कर रही है। तो ऐसे में होना तो ये चाहिए कि जिन अहम केसों को सुलटाने की जिम्मेदारी सीबीआई के कंधों पर है, सीबीआई उन्हें सुलटाते हुए नजर आए। लेकिन हो ये रहा है कि सीबीआई में वर्चस्व की जंग इस तरह खुलकर सामने आ गई है कि केस हाशिए पर है और जंग सतह पर है। और सीबीआई के भीतर दो ध्रुव बन गए हैं और सूत्रों के मुताबिक अपने अपने चहेते अधिकारियों को सीबीआई में लाने को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने अपने कुछ लोगों को सीबीआई में लाने को कहा, लेकिन तत्कालिक संयुक्त निदेशक जो पॉलिसी के हैं उन लोगों के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दी। नाराज आलोक वर्मा ने संयुक्त निदेशक पॉलिसी को ही हटा दिया। इतना ही नहीं, ऐसे तीन अधिकारियों को जो आस्थाना के नजदीक समझे जाते थे उनका एक्सटेंशन भी रद्द कर दिया और इनमें से एक अधिकारी का एक्सटेंशन खुद आस्थाना ने ही रेकमेंड किया था। वैसे सच यह है कि सीबीआई अब दो धड़ों में बढ़ चुका है। राकेश अस्थाना सीबीआई में पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लिहाजा पुराने अधिकारियों का एक धड़ा आस्थाना के साथ है। नतीजा, आलोक वर्मा ने आस्थाना के पास से कई आधिकारिक जिम्मेदारियां वापस ले ली और इनमें भ्रष्टाचार निरोधक विंग तथा आर्थिक अपराध का काम भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई निदेशक को यह डर भी था कि कहीं उनकी अनुपस्थिति में राकेश अस्थाना उनके ग्रुप के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करा दे। यही कारण है छुट्टी या विदेश जाते समय सीबीआई निदेशक की तरफ से स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए जाते थे कि सीबीआई में उनकी गैर मौजूदगी में ना तो किसी बड़े आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और ना ही किसी बड़े आदमी या अधिकारी की गिरफ्तारी होगी। सीबीआई अब भारतीय जनता पार्टी की पिट्ठू फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और उस सीबीआई का दुरुपयोग आए दिन मौजूदा मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों की प्रताड़ना के लिए कर रही है। गौरतलब है कि सीबीआई जैसी एजेंसियों में सीवीसी की हरी झंडी के बाद ही विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। लेकिन डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सीवीसी को खत लिखा, लेकिन मुद्दा सिर्फ खत भर का अब नहीं है,
सीबीआई की आंतरिक लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्रालय और पीएमओ इस लड़ाई को लेकर क्या कर रहा है या क्या करेगा, इस पर हर किसी की नजर है। क्योंकि अधिकारी न लड़े इसकी चिंता प्रधानमंत्री को है और सीबीआई का ध्यान काम पर हो इसकी चिंता गृह मंत्रालय को होनी चाहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।